हरियाणा प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद हल्के के अंदर जो चुनाव प्रचार है वो जोरों शोरों से शुरू हो गया है। पूर्व में विधायक रहे ब्रज सिंह बेनीवाल ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया। मेरे पीछे देख पा रहे हैं ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पूर्व विधायक ब्रज सिंह बेनीवाल ने अपना जो चुनावी प्रचार है उसको शुरू कर दिया। हालांकि टिकट का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी बाकी है, लेकिन पूरी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरत सिंह बेनीवाल ने बड़ा दावा करते हुए इलाहाबाद हल्के के अंदर अपने तूफानी प्रचार को शुरू कर दिया है। चलिए पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं चर्चाएं करते हैं। ढोल डाल बजा दिया हल्के में। हाँ, ढोल बजा दिया। बताओ फिर क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम इलेक्शन में तैयारियां है, फुल फुल तैयारियां है। हल्के दोनों करना दिल्ली गया पर 4-5 दिन पहले हल्कम रहो हल्कम बिना फिर टिकट किसी जेब में गाल रखी है? सारी जेब रेडी है टिकट आएंगे तो मैं क्या अगला बस की तात कौन पहले लिया वहाँ ना सिनेमा हॉल की पहले लिया वहाँ ना रेलगाड़ी की पहले बुकिंग हो जाए पहले मिल जाए आप पहले कौन मिले आज एक दिन तारीख निकलेगी बहन जी नहीं मिलेगी तो बाकी सारा दिल्ली बैठे है दिल्ली बैठे आप लोग भूखा बैठे होगा अपन था पीड़ा ये मतलब लूटे लोग में दो दो महीने पर गया सारे पर गया सारे ऐसा क्या और ठीक है हल्का में तो ठीक है चलो बढ़िया तेरे काम में ठीक है को नहीं बढ़िया चलो चले रखिए धन मेरे मनी मेरे थे को बार गया साथ को नहीं अब मुख्यमंत्री का एक्सप्रेस हरियाणा बना दियो। हाँ जी वो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा अब कह नॉन स्टॉप रोक टोप तो करके रोन टोप तो बात को नहीं रोक रखे यानी नौ बड़ी रोक रखी है पत्थर ले गया बैग बैग एयर लगा रखे अगलो गेयर तो कोई नहीं है पत्थर बैग ले गया ना आगे कौन ले गया फिर तो सामने भी धारे तकड़ा खिलाड़ी है फिर चुनाव आप लोग तो मैं बापा तक लड़े रहा हूँ यहाँ तक लड़ रहा हूँ मैंने तकड़ा हूँ मन गेटर लग गया अपन को ऑर्डर नहीं किया थारो साथ ही है मैंने जनता को बीजेपी दोनों का नहीं अगर दो जना नाम चल है एक समाज से मीनू बेनीवाल को नाम चल है एक गोविंद कांडा का नाम चल है तकली पी सारी पार्टी है गेला पी सा खूब पी सा पी अपन के ले पी जाएंगे तो पी जा बंटन देगा तो बंटेगा गेला के मतलब आम चर्चा ही भी पी सा वोट आया कांडा का तो हां आ गया कोई की कोनी आ कांडा ले काल पड़े भजन ले रहे दूध पड़ेगा वहां पी जा लोकसभा चुनाव में पी सा बंटे बताया पड़ेगा खला खा गया आ गया कोई आज मेरे बुलाई कोई आज मोदी आज मेरे जनता मेरे रह गए 16 जना टिकट मांगे है कांग्रेस की लोगों ने 30-30 मांगे नहीं मिले 16 ही मांगे सहमत है सारा हो जाए सारा सारा इकट्ठा हो जाए सारा एक दिन आ जाएगा एक छतरी के नीचे होगा 16 मंगना पहली घड़ा आज टूटा लो लड़ा हो जाते सारा हम भाजिया नहीं एक ही को नहीं हो मैं तो जेल में होते थे जेल में बैठे हमें 4 बजे 4-15 आदमी बोले तड़पा लगे कोई कौन रहे कांग्रेस जी सारा ही भाज गया मैं दूंगा मैं लड़ूंगा मैं आगे लड़ियो पहले भी कांग्रेस की सरकार रही थी विधायक रहे ये काम रह गयो देखो मतलब अभी काम रह गयो नहीं हो काम 10 साल में 15 साल में नहीं हो गयो पहले तो मैं सारा मुका दिया गणकरा था थोड़ा बहुत काम रहा स्कूल अपग्रेड सारा करा दिया गाँव में गलियां बनवा दी सड़क बनवा दी सड़क की काम करा दिया लोगों पक्का खाड़ा बनवा दिया अब थोड़ा बहुत और बच गया काम अब यहाँ 5 साल में ना तो ट्यूबवेल दिया गया नहीं ट्यूबवेल कनेक्शन बाकी पड़े क्योंकि थोड़ा न्यारा हो रहा कोई नाल से क्या पिरा कोई पंखों से क्या पिरा अरे एक तो दो जगह हो जाएगा तो दो ट्यूबवेल से ही जाएगा मैं ट्यूबवेल ही खोल दिया नहीं अब ढाई एरिया कर दियो तो अपने एरिया में कोई ट्यूबवेल लगी हुई को नहीं ना सारे दानिया में लाइट नहीं कोई पंखा नहीं कोई पानी नहीं लेना नहीं देना नहीं हाँ तो कोई सुंद को नहीं आ बीजेपी आऊँ हाँ तो लोगों ने पीछे ही पीछे है हरेक पासों कांग्रेस पार्टी फायदों के लिए हरेक आदमी बेरोजगारी बहुत हो रही है नौकरियां कोई मान लो नौकरी कांग्रेस सरकार आते दफा जब नौकरी लगेगा डारा में हजारा में लगेगा सैकड़ा में कौन हजारा में लगेगा लाखों में लगेगा
विधायक जी थे एक बात बोल रहे हो अभी 70 साल का हो रहे हो दे लास्ट चुनाव है लोग जो 80-90 साल का हो रहे हैं भाई भी आ सोचा है मैं बाबू जी ज्यादा कर बोल तो मेरे जी कौन करे तो मैं दीप करी उठा साहब ने क्या मन दे दियो तो बोले के आप कर सा नहीं लड़ाऊंगा चलो लड़ाऊंगा तो लड़ जाऊं फिर जेजेपी भी उतारे है चुनाव मैदान पर प्रत्याशी मैदान पर उतार ले तो कोई बात नहीं तो कोई वोट कटा है क्या ओ वोट पे क्या कटा है महीने देर में कड़े कटेगा लोग इन्हें देर में सिर से भी लड़ेगा सारा कड़े कड़े कुछ नोटर चार ही लड़ेगा सारा जाके कौन जाए आगे कौन जाए इन्हें फिर से पार कौन ही होनी पर ने देगा तो दूत पड़ेगा और जे जे पी वाला पहले तीनों बाप बेटो घरे बैठे रहा माँ की कड़े कुटाली नहीं माँ माने लोग हाल तोड़ दिया माँ का ऐसी औलाद है माँ की हाल तोड़ा लिया मतलब आप ले लिया और माँ का हाल कुटा लिया नहीं बाप बेटो लड़े वाले बड़े चुनाव मान क्यों तेरी तो गोपाल कांडो रहे भी गठबंधन करे बीजेपी सागे हाँ कोनी वाली क्या हूँ कोनी वाली तो कांडन में पहले लिख रहा ना आज का पाल डिग्री में बोलो दो दिन हम लड़ ले तू फायदे मेरे को जब बोले मैं सारा हरियाणा में लड़ूँ वो पाड़ियों बून में आओ तेरे पाड़ियों बून में आ गयो मैं अबे सिंह भी दो जगह लड़े चर्चा चल रही है मैं कौन लड़े अठू लड़े हो जो लड़े हो तो पठू कौन लड़े नहीं बहन जी सामने कौन लड़े ठीक है।